और इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी क्योंकि चुनावी दंगल में लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहां गए, किसके हाथ में गए, क्यों गए? फिर मैं वापस आया, वायदा किया था, करनाल गया 5 बजे सुबह, परिवार से मिला, वीडियो कॉल चल रही है, मैं सोच रहा हूं हो क्या रहा है। एक तरफ अमेरिका में डैलस में 20-25 युवा हिंदुस्तान का फ्यूचर वहां बैठा हुआ है, इस तरफ माताएं बहनें बेटे, हम बातचीत कर रहे हैं, मैं परिवार से बोल रहा हूं और बात करते हुए एक छोटा सा लड़का देव दौड़ता हुआ कंप्यूटर के पास जाता है, कंप्यूटर को ऐसे पढ़ता है, पकड़ता है, चिल्लाता है, पापा 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 वापस आओ, पापा मुस्कुरा रहा है। मैंने देखा ये मुस्कुराना नहीं चाहता है, ये रोना चाहता है, मगर इसको अपने बेटे के सामने मुस्कुराना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जेब में से हर रोज पैसा निकाला जाता है, उसे कहा जाता है महंगाई है। क्यों है? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों से, मजदूरों से उनका हक छीनते हैं, उनका उनकी कमाई का पैसा छीनते हैं, हर रोज होता है। नया कानून बनता है, कहा जाता है किसान के लिए कानून बनाए गए, किसान के लिए अगर कानून बनाए गए तो हिंदुस्तान के सारे किसान सड़क पे क्यों आए? क्योंकि किसान जानता है कि हमारे जेब में से एक और तरीके से अब पैसा छीना जाएगा। जमीन ले लेते हैं, भाइयों आप एक बात समझो, आप एक दुनिया में हो जहां आप जमीन खरीदते हो, अगर आपको जमीन चाहिए आप किसी और के पास जाते हो, कहते हो भैया मुझे जमीन चाहिए, वो आपसे कहता है ये 50 लाख की जमीन है, 50 लाख रुपए दो, 1 करोड़ रुपए दो, मैं आपको जमीन दूंगा। ये नॉर्मल होता है, हिंदुस्तान के हर नागरिक के साथ होता है, ये अंबानी अदानी के साथ नहीं होता। अदानी कहता है मोदी जी से, मोदी जी मुझे यह जमीन अच्छी लग रही है, कोई पेमेंट की जरूरत